हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जेई भी खत्म हो गया, नीट भी खत्म हो गया आज, राइट? 5 मई ही है तो नीट का बच्चे बच्चे मेरे ख्याल से पेपर देने बैठेंगे 2 बजे से। तो क्लास मुझे काफ़ी जगह से बहुत कुछ आ रहा है सर, जो थोड़े थोड़े मेरे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पेंडिंग से, केमिकल काइनेटिक्स के पेंडिंग से। तो चिंता ना करो बच्चों, मैं सारे टॉपिक्स चिंता ना करो बिल्कुल कवर करूंगा, एक एक तुम्हारे पूरी पूरे कहते हैं ना, हर एक चैप्टर आई विल बी कवरिंग अप, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, ठीक है? तो अभी मैं वापस इसी वजह से ही एक एक कर करके सारे चैप्टर्स आपके ओवर करूंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में याद करिए, 2-3 महीने पहले की बात है जब हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ कुछ क्वेश्चन करने सीखे थे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि मैं आपके सामने कुछ जेई के या नीट के PYQs करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर उसी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत बड़ा एरिया है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है? बहुत लोग उसमें आज भी गलतियां करते हैं। बच्चे जितने भी बड़े बड़े महान महान इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने अपने फंडे से सिखा देते हैं, और बच्चों के दिमाग में गलत तरीके से वो चीज़ें सेटअप हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो प्लीज़ क्लास, अच्छे से वीडियो देखने का, अच्छे से समझने का, पेपर फोड़ने का, ठीक है? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जेई के, हम देखते हैं। जो मेरे ख्याल से PYQs हैं आपके जेई मेंस 2024 के, जो मेरे सामने हैं अभी कुछ कुछ, ठीक है? हम वही डिस्कस करेंगे क्लास। आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाए भी हैं, ठीक है? देखो, एक पहल जेई मेंस 2024 फर्स्ट शेप का है आपका, ये आपका फर्स्ट फरवरी शिफ्ट टू, पहली फरवरी शिफ्ट टू का एक बहुत सिंपल सा सवाल। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज, राइट? रेडियल नोड्स कौन से होते थे क्लास, याद है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला बताया था, रेडियल नोड्स क्या थे, n-l-1, क्वेश्चन करके भी दिखाया थे, याद है? मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी पार्ट 3, उसके अंदर मैंने ये चीज आपको करके भी दिखाई थी। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स क्या थे, n-l-1, या इसको आप स्फेरिकल नोड्स भी बोलते थे, याद है? क्या बोलते थे इसको हम? स्फेरिकल नोड्स भी हम इसको बोलते थे, राइट? तो n, अब इसका किसका पूछा है बेचारों ने, 3p, तो 3p के लिए n की वैल्यू कितनी है सर जी? 3 है, ओके। l की वैल्यू सर कितनी है? 1 है, -1, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, SPDF होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3, ठीक है? तो n-l-1, 3-1, 2, 2-1, 1, तो आंसर आ गया मेरा 1, सही है बात? तो सिंपल सा सवाल रेडियल नोड्स का है हमारा पहला। नाउ अब वो पूछ रहे हैं, ये भी बहुत पुराना है मेरे ख्याल से, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम, द फोर क्वांटम नंबर्स यानी कि n, l, m और s, ठीक है? द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है, एटॉमिक नंबर 19। तो आपका ये जेई मेन 2024 का ही सवाल है, 31 जनवरी शिफ्ट टू, ठीक है? तो क्लास ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, तो उन्होंने बोला है कि द फोर क्वांटम नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, तो एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 19 होता है। कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये भी मैंने बनाना सिखाया पहली वीडियो में अपनी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, यही होगा मेरा क्लास, 4s1। तो n इज इक्वल टू 4 हो गया सर, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला है ना, फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये बोला है, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। l इज इक्वल टू सर 0 होगा क्योंकि s है, m भी फिर 0 हो जाएगा, और s की वैल्यू सर +1/2 हो जाएगी, ठीक है? तो फिर आपका आंसर देखो क्लास आ गया है, तो n इज इक्वल टू 4, l 0, m 0, s 1/2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तो आपका आंसर ऑप्शन B, राइट? तो बहुत इजी इजी सवाल है, ये पुराना है तो पुराने ही क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी, नाउ अगला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं क्लास,
ये भी मैंने आपको अभी तक तो नहीं बताया, ये लगता है मुझे आपको पढ़ाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर है, अभी मुझे जो पढ़ाने हैं टॉपिक्स उसके ऊपर हैं। अच्छा नाउ अब आ जाओ आगे, जो तुम्हारे मतलब का है। अगेन सेम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास। ये आया था 29 आपका जनवरी को, शिफ्ट वन को, जेई मेन्स 2024। द करेक्ट सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबीडियम। क्लास ये अगेन रिपीट हो रही है चीजें। रूबीडियम, रूबीडियम का एटॉमिक नंबर भी याद है, जेड इज इक्वल टू 37 मेरे ख्याल से होगा यहाँ पे, छुप गया बेचारा शायद। जेड इज इक्वल टू 37, 37, 37 वो रहा, फर्स्ट वाला एलिमेंट है पोटेशियम रूबीडियम, तो जेड इज इक्वल टू 37 है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सेम टाइप है जैसे कि आपका पोटेशियम का पूछा गया था, उसी तरीके से आपका ये इन्होंने रूबीडियम का पूछा है ना। और रूबीडियम के लिए आपका जेड की वैल्यू कितनी है सर? 37 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गए सर जी? 18, 18 और आगे कितने हो गए? 20, और ये 5s1। ठीक है, क्लियर? तो 4p6 5s1, तो अब आउट ऑफ मोस्ट शेयर आपको कौन सा है? 5s1 है। तो अगेन n इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू 0 आएगा, m भी 0 आएगा, और s की वैल्यू प्लस हाफ आ जाएगी। सेम, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ठीक है, तो आपका द करेक्ट सेट ऑफ द फोर क्वांटम नंबर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम उसी तरीके का सवाल था। अब आ जाओ आगे। अब क्लास इन्होंने पूछा है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, विद द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर जी मैग्नेटिक मोमेंट सबको पता है कि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा गुरु जी? मैग्नेटिक मोमेंट होगा। चलो तो देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है, लेट्स सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एन, यही होता है ना। और एन क्या होता है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है। अच्छा तो अब आर्गन 3d7, तो सर जी 3d7 एक दो तीन चार पांच, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3d7 है, कितने अनपेयर्ड है सर? 3 अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट चेक कर लो, 3 × 3 + 2 कितना हो गया? 5, 5 सीजा 15, यानी कि आपका 15 bm आ गया, आ गया 15 bm। दूसरा है 3d8, दूसरा क्या है सर जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड है सर? 2 अनपेयर्ड है, तो कितना आ गया? 2 × 2 + 2, 4 4 2 8, यानी कि √8 bm। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। 3d3, 3 अनपेयर्ड है सर, अगेन इट विल बी √15 bm आएगा, 3 अनपेयर्ड पे अभी अभी आपने चेक किया है। और 3d6 सर जी, 3d6 में 4 अनपेयर्ड आएंगे, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो ये 4 अनपेयर्ड हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 4 × 4 + 2 6, 6 4 = 24, तो आंसर आ गया आपका 3d6। क्लास बात समझ में आई? तो ये सिंपल सिंपल से सवाल थे आपके जो आए थे। अच्छा ये आया था आपका, वैसे आपको बता दूं 2024 में 27 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। अब आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज। मतलब वही है, स्पिन ओनली मतलब वही, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। तो क्लास ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में जो तुम्हें इंफॉर्मेशन होगी वो होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये आपका चैप्टर 12th में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हो, लेकिन
मैं आपको यहीं से ही आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर और थोड़ा सा आइडिया देना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि तुम्हें जब तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ो और उसमें एक सीएफटी थ्योरी पढ़ो, वीबीटी एंड सीएफटी, ठीक है। आप कहोगे सर वीबीटी तो केमिकल बॉन्डिंग में भी था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा वर्जन या एनहेंस वर्जन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझ में आएगा तो उसके अंदर। लेकिन मैं आपको इसके बारे में आज इसी में ही इसी क्वेश्चन के तहत आपको वो समझाता भी हूँ, ठीक है। आओ, तो ये है एफ ई एफ सिक्स फी माइनस, फिर क्यू है वी एच टू ओ होल सिक्स टू प्लस, फिर आर है एफ ई एच टू ओ होल सिक्स टू प्लस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन ए दे रखा है R greater than Q greater than P, ऑप्शन बी दिया हुआ है R P greater than Q, सी दिया हुआ है Q greater than R greater than P, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है Q greater than P greater than R। क्लास अब देखो जरा, अब सबसे पहले जो सबसे पहले की बात है, ये फ्लोरीन है, ये H2O है और ये भी H2O है। ये तीनों के तीनों, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स आयंस हैं तीनों के तीनों, ठीक है। जिसमें कि आप बोल सकते हो जो फ्लोरीन है H2O है वो क्या है, मेरे वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है मेरे वीक फील्ड लिगेंड? आप कहोगे सर ये क्या है, खेत की मूली है। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। देखो भाई, लिगेंड एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है ना इलेक्ट्रॉन रिच अमीर आदमी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो उसी तरह लिगेंड भी सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, कह सकते हो या कह सकते हो शेयर करता है, ठीक है। तो लिगेंड वो स्पीशीज होती है, ये सारे के सारे लिगेंड्स हैं। एफ नेगेटिव है, एच टू के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी एच टू एक्ट नहीं करता लिगेंड। और ये जो आयरन है, वेनेडियम है, ये भी आयरन है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल, क्या बोलते हैं क्लास, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन। और ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, राइट। क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले क्या करो, आयरन को आप x ले लो। आयरन का मान लो आपका यहाँ पे आयरन का निकालना है x है, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है माइनस वन, फ्लोरीन का कितना होता है माइनस वन, शुड बी इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है पूरा माइनस थ्री, यही है ना। तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, यानी कि यहाँ पे जो आयरन है वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, एफ ई का 3 प्लस है, राइट। आ जाओ ये वैनेडियम, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर सर जी क्या होता है, 23 होता है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन अभी पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। H2O के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होता, तो H2O के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होता, यहाँ पर H2O का हम डाल लेते हैं x, और ये 0 इज इक्वल टू प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस 2। तो इसका मतलब ये हो गया सर, वैनेडियम यहाँ पे V2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक्ट कर रहा है, ओके। और यहां पर भी सेम सिमिलरली आयरन भी आपका ऐसे ही Fe2 प्लस स्टेट पर एक्ट कर रहा है। पहले हम लिखेंगे Fe3 प्लस का, पहले Fe का लिख लेते हैं, आपको बताया हुआ है मैंने तरीका कॉन्फ़िगरेशन का। Fe का क्या होता है सर, अब तो पता ही लग गया, बताओ जल्दी से, आर्गन 3D6 है ना, आर्गन 3D6, तो 3D6 बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। उन्होंने पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो सर जी यहाँ पे आपके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d6 हो गया। अच्छा जी, ये हुआ मेरा आयरन का, किसका हुआ ये, आयरन का, मतलब आप बोल सकते हो 4s2 3d6, राइट। ये मेरे 4s2 3d6 है। अब आपको ये पता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सबसे पहले कहाँ से निकलता है, s से निकलता है। अब ये भी रीजन मैंने आपको बताया भी हुआ है कि क्यों निकलता है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ का कितना हो जाएगा,
इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर एफ ई थ्री प्लस कितना है, कितना है बताना जरा भाई। तो 4s0 आर्गन तो जो है वो है ही, ठीक है, 4s0 3d5 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सर यहां से निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, पांच, राइट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे जो सिंगल 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 रहेंगे, वो पांच रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा अब आ जाओ वी टू प्लस। तो सबसे पहले वी टू प्लस निकालने के लिए, अगर हम वी टू प्लस निकालना चाहते हैं तो वैनेडियम के केस में, गुरु जी अब वैनेडियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना है, 23 है सर, तो 23 सबसे पहले वैनेडियम का लिखिए, कितना आएगा सर, आर्गन 4s2 3d3 यही होगा, 4s2 3d3। अच्छा सर, तो ये हमने इसका बना दिया सर जी, एक दो तीन चार पाँच, वन टू थ्री, हंस रूल को ध्यान में रखते हुए, हंस जी को नाराज नहीं कर सकते हम, ठीक है, पहले सारे ऑर्बिटल हम सिंगली सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो 3d3 हो गया। अब सर जी अगर 3d3 हो गया वैनेडियम का, तो अब क्या करोगे गुरु जी, दोनों को हमें क्या चाहिए, वी टू प्लस, तो वी टू प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन इसके गायब कर दूं, बताओ जी गायब कर दूं, तो अब यानी कि ये तो हो गया खाली डब्बा और ये मेरे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, वन टू थ्री, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए सर जी, तीन, ठीक है। अब इस केस में Fe2+ के केस में आपके अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे, आपको साफ समझ में आ रहा होगा सर, चार, क्योंकि दो तो आपके निकल जाएंगे वहां से, तो सबसे ज्यादा इसका मतलब ये हो गया इस वाले केस में अनपेयर्ड कितने हैं, चार, इस केस में अनपेयर्ड कितने हैं, तीन, और इस केस में अनपेयर्ड कितने हैं, पांच। और जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतना ज्यादा आपको पता है कि सर मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होना तय है। तो अब पी का सबसे ज्यादा होगा, राइट, उसके बाद आपका आर होगा, पी के बाद आर होगा और उसके बाद क्यू होगा, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया आपका, आपका सी। क्लास चेक कर सकते हैं, आंसर सी, यू गॉट राइट, सही है। और हाँ एक और चीज बता दूं, आपने सर पूछा नहीं होगा, मैंने नाम बताया वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, एक ऐसे लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है जो अगेन मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर रहती है। अब अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रल सीरीज, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रल सीरीज रहती है आपकी, तो उसके अंदर आपको वो पेयरिंग नहीं करने देगा, आपको वो पेयरिंग ध्यान रखना नहीं करने देगा। कौन नहीं करने देगा पेयरिंग सर जी, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अगर यही यहाँ पे एफ की जगह पे सीओ होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होता या साइनाइड होता, तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर करना स्टार्ट कर देते, ऐसे मतलब स्टार्ट पेयरिंग अप, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, वो स्टार्ट पेयरिंग अप, यहाँ पे भी, राइट, इट स्टार्ट पेयरिंग अप। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ समझाने के लिए, जैसे आपका यही पांच वाला ले लेते हैं, ठीक है, पहले वाला जो केस था हमारा कौन सा, एफ ए थ्री प्लस फोर एस जीरो थ्री डी फाइव, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर साइनाइड होता तो ये आपके इलेक्ट्रॉन थे, अब अगर साइनाइड होता तो वो पेयर कर देता, और पेयर करने के बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन होते ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाता, ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाता, चार हो गए और एक ये पांच, तो आपके पास अनपेयर्ड बचते तो, लेकिन एक ही अनपेयर्ड बचता और इसका यानी कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता, क्योंकि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती हैं जितना ज़्यादा अनपेयर्ड उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं, और जितने ज़्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा वो डायमैग्नेटिक स्पीशी होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से मैंने आपको समझाई अभी अभी, वीक फील्ड लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर पाते, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं जैसे कि साइनाइड सी एन नेगेटिव या सी ओ, बहुत अच्छे हैं ये, तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, जैसे आपको दिखाई मैंने, समझे, ये पांच थे, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, सारे मिला के पेयर हुए, और पेयरिंग करने के बाद ये बचा, सही है, गॉट इट। चलो और देखते हैं, ठीक है। नाउ अब अगेन, अब इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल
हैविंग n इज इक्वल टू 4 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स, ओके, हैविंग n इज इक्वल टू 4। क्लास ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया हुआ है, सेम। n इज इक्वल टू 4 है और s इज इक्वल टू उन्होंने बोला है प्लस हाफ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सब शेल। तो n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सर आपको तो बताया था मैंने, l 0 ले लो, l 1 ले लो, l 2 ले लो, l 3 ले लो, है ना। तो l ले लिया तो m भी 0, m की वैल्यू माइनस 1 से लेकर प्लस 1 मतलब माइनस 1, 0, 1 और माइनस 2 से लेकर प्लस 2 सेम, माइनस 3 से लेकर प्लस 3 मतलब माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। मैं विदाउट फॉर्मूले जा रहा हूँ क्लास, ताकि बेसिक याद रहे और बेसिक से क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हों। और ये m इज इक्वल टू 0, अब इन्होंने क्या बोला, s इज इक्वल टू जस्ट प्लस हाफ चाहिए। अब एक डब्बे में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। यहाँ पे कितने डब्बे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ प्लस हाफ को इंक्लूड करना है, मतलब एक ही स्पिन को इंक्लूड करना है। इसका मतलब इसको जितने हैं उतने काउंट कर लो, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने हैं ये, क्योंकि ये एक डब्बा शो करता है, याद है, एक डब्बे में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं जस्ट एस की वैल्यू प्लस 1 हो, तो यानी कि एक। तो जितने ये डब्बे हैं उतने आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। लो जी, तो आंसर आएगा कितना, 16। कितना आएगा, 16, सही है। तो इस तरीके से बेसिक से करोगे कोई भी समस्या नहीं आने वाली, राइट। अच्छा सर एक और है, लेकिन अगेन मैंने अभी तक तुम्हें बोर्ड जी के बारे में आया नहीं हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, एक दो चीज़ें क्लास मुझे अभी तुम्हें बतानी पड़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताना है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। अच्छा सर उल्टा भी आता है, अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा हो और आपको पूछा हो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो भी हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा लो एक और क्वेश्चन है, जेई मेन 2023 का है, 8 अप्रैल, शिफ्ट 2, राइट, वो और कर देते हैं, राइट। बाकी सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, तो ठीक है। जेई मेन 2024 के जितने इस टाइप में जो अब तक हमने सीखा है उसमें मैंने आपको भी करके दिखा दिए, इसलिए द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड इज, 5 रेडियल नोड, तो 7s दे रखा है, इंटीजर बेस्ड सवाल है, 7s है, 7p है, 6s है, कुछ खास नहीं करना, सॉल्व ही करना है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने का नहीं कभी भी। 7s है तो रेडियल नोड्स पूछा है, n माइनस l माइनस 1, जल्दबाजी नहीं करना, 7 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, 7 माइनस 1 6, तो सर 6 आ रहा है, नहीं आएगा सर जी, 7p, 7p यानी कि n की वैल्यू कितनी है 7, l की वैल्यू 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, सर जी 5 आ गया, 6 कितना आएगा, n माइनस l माइनस 1, सर ये भी 5 आ गया, 8 माइनस l माइनस 1 कितना आएगा सर जी, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, तो 2 हो गए सही, और 8d तो 8 माइनस l माइनस 1 ये भी हो गया 5। तो 3 बंदे ऐसे हैं जिनका आपका 5 रेडियल नोड्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 3, ठीक है क्लास। तो ध्यान से सुनना, जितना अभी तक हमने सीखा है उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, और जितने क्वेश्चन लगाने हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, क्वांटम नंबर जितना मैंने सिखाया है उसको तुम लगाओ, जितना पार्ट मैंने सिखाया है, राइट। अभी थोड़ा सा तुम्हारा हल्का सा उसमें रिमेनिंग, एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाला मुझे सिखाना है तुम्हें, एक मुझे उसके अंदर एक स्पेशल रीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में भी चीज़ें बतानी है, ठीक है, एक दो चीज़ें जैसे बतानी है, अगले लेक्चर में बताता हूँ क्विकली। तो ये तुम्हारे जेई मेंस के 2024 के सवाल थे, और एक क्वेश्चन हमने 2023 का भी देखा है इसी के ऊपर बेस्ड, और भी हैं सिमिलर टाइप है, ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है। तो बहुत ईजी सवाल आते हैं जैसा कि हमने मेथड सीखा है, तो उन वीडियोज़ को अच्छे से देख लोगे तो तुम बना लो, कोई तब भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट करो, कोई समस्या नहीं, ठीक है, चलो एंजॉय।